हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आरा के क्या कहे तो पूरे भोजपुर या कभी कभी कहे तो पूरे शाहबाद जिला के सबसे प्रसिद्ध कॉलेज जैन कॉलेज के बारे में हम लोग दर्शन करेंगे। दर्शन छोड़िए, दर्शन नहीं, आज उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ट्रेवलिंग का टूर है, छोटी सी है और ये उसका रास्ता है। ये स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं, आरा जंक्शन से करीब 200 मीटर पड़ेगा, उसका मेन गेट दिखाई देगा पश्चिम की ओर। सीधे स्टेशन का उतरिएगा, एक नंबर गेट से पश्चिम की ओर आइएगा तो वहीं पर ये पड़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। पश्चिम की ओर आने पर आपको वो मिल जाएगा और आएंगे तो यहाँ पर सीधे आप जैसे ही आइएगा तो उसके साइड से ही एक दिखाई देगा, बोर्ड मिलेगा आप मेन गेट का रास्ता, उस पर लिखा होगा हर प्रसाद जैन कॉलेज, मैंने दिखाया भी है। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, यहाँ उस रास्ते में कॉलेज का जो मेन गेट है, मेन गेट के अंदर इंटर करने के बाद ये दूसरा मेन गेट आता है और फिर एक तीसरा मेन गेट आएगा। इस तरह उसका आता है और ये उसका बहुत बड़ा कैंपस है, कैंपस को हम लोग हालांकि बाद में दिखाएंगे। ये रास्ते कच्चा, थोड़ा सा कभी कभी पानी भर जाता है बरसात। ये रास्ते जाते हैं नॉर्मल है, कच्चे हैं, कई बार बारिश में थोड़ा सा ये ख़राब हो जाता है, बाकी साधारण मौसम में ठीक है। ये जो इसके पीछे वाला रास्ता था जो अभी ढलाई हो चुका है वो सबसे बदतर, वो आम दिन में भी ख़राब ही रहता था। और हालांकि इस बारिश को बरसात का मौसम है, पूरे अगल बगल घास सूख गए हैं, छोटे छोटे पौधे पेड़ पौधे, ये हैं नज़ारे उसके, ये हैं, काफ़ी मस्त है। हालांकि आपको जैन कॉलेज के बारे में थोड़ा सा अंदर जाता हूँ तो और अच्छी से विवरण बताऊँगा, सारे उसके पार्ट्स और किसने बनाया है, किन्होंने बनाया, कि जमीन दिया उस समय के आपको बताएंगे। हर प्रसाद जैन जी ने उस समय जमीन और काफ़ी ऐसे दिए। ये ग्राउंड है तो आसपास के लड़के मतलब कि जुटते हैं खेलने के लिए। और कैंपस की बात है, ये कैंपस इसका खेलने लायक और जो भी जिले स्तर का कभी कभी होता है तो यहाँ पर होता है इस कॉलेज में और एक महाराजा कॉलेज के कैंपस में होता है। कैंपस को मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा और मैं